Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ सूदो नवाज लीग के 40 का वधिक अगवाणन खिलाफ मुजरमानी साजिश जो केस दाखिल। लाहौर के शाहदरा थाने ते शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त केस दाखिल कियो वियो। केस में मरियम नवाज, राजा जफर उल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, मोहम्मद जुबैर, मरीम औरंगजेब बया अगवाण जवाबदार नामजद। केस में मौके पर इख्तियार कियो वियो है त नवाज शरीफ इदारन के बदनाम करण लाए चिड़ जाराइंदड़ तकरीरू कयूं ऐं भारत की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी की ताईद कई। लीगी अगवाणन तरफा नवाज शरीफ के मौके की ताईद में मुजरमानी साजिश के जिमरे में अचे थी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान जो चवण है अवामी दबाव के नजर में रखंदे नवाज शरीफ खिलाफ बगावत जो केस दाखिल करण जो सोचे रहा है। हुकूमत में हिम्मत है त बगावत केस में नामजद अगवाणन के हथकड़ियों लगाए। बगावत जो केस मुल्की तारीख ते दाग है। नवाज लीग अगवाण शाहिद खाकान अब्बासी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में लाहौर में केस दाखिल थे रदअमल जाहिर करते है त हुकूमत बदर रशीद जो सहारो वठण बदरा सीधी रीत बगावत जो केस दाखिल करें। आइन की हुकुमरानी लाए गालहण बगावत है तो रोजानो बगावत कंदा रहंदासीं। पीटीआई पैंजी ना अहली लिकायण लाए इदारन के सियासी जंग में धिकी रही है। जेको भी आइन के खिलाफ हुंदो नवाज लीग उन खिलाफ जंग जारी रखंदी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नवाज लीग अगवाणन चवणो तो हाँ हुकूमती टिकसाटन के हलन न दिनों वो बदकिस्मती है जो माजी में जेके मुल्क हलाइंदा हुआ उन बगावत जो जिम्मेवार करार दिनों वो है। नवाज लीग अगवाण मोहम्मद जुबैर अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ ए मरियम नवाज जो तर्जुमान मुकरर। मोहम्मद जुबैर जो चवण है त नवाज शरीफ सूदो लीगी अगवाणन खिलाफ गद्दारी जो केस इमरान सरकार की वायड़ाइप जो सबूत है। गद्दारी जा केस जमहूरियत की बहाली लाए पीडीएम की तहरीक के रोके नथा सकन। हुकुमरानन के सियासत करनी है त सियासी मैदान में अचन। नवाज शरीफ अगु ही चई चुको है त अड़न टिकसाटन से खामोश न वेहंदासी। सियासी ए जमहूरी हक इस्तेमाल करदे हुकूमत के खात्मे तई जिदोजहद जारी रखी वेंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नवाज लीग अगवाण जो चवण हो तो 22 करोड़ मानू जो साथ होंदे नवाज शरीफ के भारतीन से मुलाकात करण की जरूरत ना। वजीरन तरफा नवाज शरीफ मथा भारतीन से मुलाकात जा लगायल इल्ज़ाम कूड़ा करा। इमरान खान एसएमयू तोड़ी पर ऑपोजिशन के एनआरओ न दी। पाक फौज जो दुश्मन मुल्क जो दुश्मन है। वफाकी वजीर शेख रशीद जो चवण है त मुझे दिनल डेडलाइन तई नवाज लीग में शीन लीग लाजमी तौर निकरंदी। पीपल्स पार्टी तरफा इस्तीफा न दियण वाले बयान से भी कायम आया। लाहौर में जलसे का पोए सभी जो अखियं खुली व्यून। नवाज शरीफ बुधाए तो आसिफ अली जरदारी खिलाफ मेमो गेट पे पेटिशन दाखिल न कराई। हुन शहीद बेनजीर भुट्टो की भी किरदार कशी कोई कई हुई। पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर से पीडीएम जो जलसो करण की मुखालफत करे छड़ी। जरियन जो चवण है त पीपल्स पार्टी की कयादत पीडीएम आरो मौकिफ रखियो त 18 अक्टूबर से कारसाज साने के शहीदन के भेटा पेश करण लाए कराची में जलसो कयो वेंदो आहे। इन तारीख ते पीडीएम जो जलसो न थियण घुर्जे। पीडीएम के जलसे लाए नई तारीख ते सलाह मशवरन बाबत स्टेयरिंग कमेटी जो इजलास अजु थी रो है। पीडीएम क्वेटा में 11 अक्टूबर से रिथल जलसो भी मुलतवी कर छो हो। वफाकी घरू वजीर एजाज शाह ऑपोजिशन पार्टीज की तहरीक के रियासत मुखालिफ करार दींदे है त जमहूरियत के नाले से मुल्क दुश्मन रैलीज कढ़ने की इजाजत नथी रही सकजे। रियासत कमजोर ना है जो कौमी इदारन खिलाफ नफरत वाली बोली गालाइंदड़न अगियां झुकी वने। ऑपोजिशन के चूंडन में धांधली खिलाफ लागापल फोरम से राबतो करण घुर्जे। सदन रैलीज जो पाकिस्तान में जमहूरियत से को भी वास्तो ना है। पार्क लेन ए ठठो वाटर सप्लाई स्कीम रेफरेंस में अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी सूदो बेन जवाबदारन ते फर्दे जुर्म लागू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुधनी दौरान जवाबदारन तरफा डोह मजण का इनकार। अदालत पार्क लेन रेफरेंस में 20 अक्टूबर
आई ठठो वाटर सप्लाई स्कीम रेफरेंस में 21 अक्टूबर से शाहिदन के तलब कर वरतो। नैब के शाहिदन की पेशी यकीनी बढ़ाने की हिदायत। बुधनी दौरान आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके से पीपी अगवाण भी पौता। अदालत बहरा सिक्योरिटी जा गैर मामूली इंतजाम। ख्वाजा आसिफ कहीं चुर्च से बयान दिनों हों सनस बयान जो मकसद ऑपोजिशन के विरहण है। अगुणे सदर आसिफ अली जरदारी जो नवाज लीग अगवाण ख्वाजा आसिफ के बयान से रद अमल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत बहरा मीडिया से गलाइंदे आसिफ अली जरदारी ऑपोजिशन में हुंदा हूँ तो अड़े किस्म जहा केस ठहंदा रहंदा हैं। ये केसिस असा निसी चुका हूँ। पीटीआई हुकूमत के मुद्दे से पुछल सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी जो चवनों असा तो अन्या हाँ बिस्मिल्ला कई है। जेल में सूर रहे थो। नैब वारा टेबल बदरा जमीन ते खादो डींदा हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तरफा लाहौर की एहतसाब अदालत में नैब के रवैये खिलाफ शिकायत। बुधनिया दौरान शहबाज शरीफ जो चवण हो त इमरान खान ए शहजाद अकबर की चुर्च से अड़ो रवैयो रखो वे तो मुख्य कुछ भी थो त इमरान खान ए शहजाद अकबर खिलाफ केस दाखिल कराइंदुस। एहतसाब अदालत शहबाज शरीफ की शिकायत से नैब मथा कावड़ इजहार कदे इंसानियत की तजलील बर्दाश्त न कई वी। अगत शहबाज शरीफ अड़ी शिकायत कई त नैब खिलाफ नोटिस वरतो वो। इस्तीफा दियण दो है कें है तो बशीर मेमण की पेंशन रोकी वे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अगुणे DGFIA बशीर मेमण के फौरी तौर पेंशन जारी करण जो हुक्म दई छो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मेनुला रिमार्क्स दींदे है त सीनियर ऑफिसर से ये थी रो है आम मानू सांद या तो अलार्मिंग सूरत हाल है। जे ऑफिसर ईमानदारी से ड्यूटी कई हुए उन खिलाफ अगत ये न थियण घुर्जे। बुधनिया दौरान AGPR के नुमाइंदे त इन हवाले से कानून वाली वजारत का राय वरती वी। चीफ जस्टिस जो चवण हो तो समझ में नो अचे तो तुम केस के छो मुझाए रहा हो जैसे एक भेरो पेंशन जारी थी है तो कड़े कानून तहत रोकी वही लगे तो ऑफिसर से तुम को जाती मसलो है। मुल्क के बचाण लाए गालिन जी मेज से अचण घुर्जे। सियासतदान हुजन या इदारा बई अवाम जा खादिम आहिन। PPMNA खुर्शीद शाह जो चवण है तो PTI हुकूमत पेंजे मानुन के NRO दई छो है। ऑपोजिशन में कें भी हुकूमत का NRO ना घुरो। मुल्क जो सरबराह कें भी गाल बुधन लाए तैयार ना है। इमरान खान वट को भी हाकारी बयानियों ना है। ये पो लगे तण हुकूमत जो मुल्की मैशत से को वास्तो ही ना है। सखर की एहतसाब अदालत खुर्शीद शाह खिलाफ आमदनी का असासन वाले रेफरेंस से धुरन जहा दलील मुकम्मल थे बाद फैसलो महफूज कर वरतो। नैब मलीर के बिन अगुणन म्यूनसिपल कमिश्नर्स के हिरासत में वी छो। जरियन जो चवण है तो कराची के क्लिफ्टन वे इलाके में कार्रवाई दौरान मकानी इदारन वे खाते के बिन ऑफिसर्स रहमतुल्ला शेख ए मंजूर अब्बासी के गिरफ्तार किया वो। जवाबदारन ते मलीर जिले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करोड़े रुपये की मुबैना घोबिन जाली बिल्स जरिए फर्जी कंपनीज के अदायगी करण का इल्ज़ाम। नैब जरियन जो चवण है तो रहमतुल्ला शेख सूबाई वजीर सईद गनी नासिर शाह जो फोकल पर्सन भी रही चुको है। बड़े वजीर कुछ अरसों अग खेस हटाए छो हो। मंजूर अब्बासी उन अग भी एक केस में नैब आरो रजाकाराने तौर रकम वापस कर चुको है। सनस खिलाफ आमदनी का असासन की जांच जारी है। वफाकी सरकार तरफा बेटन ते वालार लाए अथॉरिटी जो ऑर्डिनेंस जारी करण बाद सिंध ए बलोचिस्तान की सामुंडी पट्टी में कुदरती वसीला हासिल करण लाए भी रिथा तैयार करण जो इंकशाफ। अथॉरिटी या वजारत ठाण की तजवीज़ वफाकी हुकूमत सामुंडी पट्टी बाबत खाको तैयार कर छो। अमल दरामद लाए कानून साजी ए निगरानी जो निज़ाम जोड़ बाबत तजवीज़ू शामिल। रिथाबंदी वजारत की सिफारिश में चो है सामुंडी पट्टी से मौजूद कुदरती वसीलन तेल गैस मिनरल्स ए हाइड्रोकार्बन सूदो माहिगीरी तफरी ए सयाहत जहा मौक़ा मौजूद हैं जिनके मुल्की खुशहाली लाए इस्तेमाल किया वे। सामुंडी कारोबार के ऐसा लाए सिंगल अथॉरिटी होजन घुर्जे जेका पॉलिसीज हिकमत अमली गाइडलाइंस ए रेगुलेशंस ठाईंदी। तजवीज़ों मौजब कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी तफसीली प्लान जोड़ी ए मजमू रिथाबंदी वफाकी सरकार की जिम्मेवारी।
यो वाजे था क्यों तो सिंध की जो प्रॉपर्टी है डिंगारा भिंडी है या बिहार भी वसीला उनकी वार सिंधी कौम आदि सिंधी कौम यो पांजो फैसलो दे चुकी है ये पे थी तो असा के आर्डिनेंस आयो ना मंजूर आ पीपल पार्टी जेका अघू निंड में सुतल आया छका तो उनकी जंग जेका सिंध ला ना है हिनल भी जेके अपोजिशन एतियात वगैरह ठन था या जमे पीपल पार्टी है वो सिर्फ इन करे आया तो उनके की गवर्नमेंट ठाणी है सो या पीपल पार्टी जे लाए सिंध में आडी मुश्किल घड़ी पैदा कर सके जेके बेट आन उते लख हजारे जेके मोहन आबाद आन उनन के दरपदर कयो विंदो उनन जे मैशत ते कब्जो कयो विंदो असा के एडी काब तरकी न घुरजे सिंध जा बेट मकामी मानुन जी मिल्कियत आहिन बेटन ते वफाकी बालार के बर्दाश्त न कयो वेंदो सिंध जे मुख्तलिफ शहरन में रिंगी ए बुंडाड़ बेटन लाए आइलैंड अथॉरिटी जो ऑर्डिनेंस जारी करण खिलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरा जैके बाद तंगवाणी फैजगंज ए बिन शहरन में बेटन ते वफाकी बालार खिलाफ़ धरना अगवाणन बेटन ते कब्जे खिलाफ़ जिदोजहद जारी रखण जो अज़्म अर्जाईंदे चयो आहे त सिंध का कॉलोनी नाहे जो उन जे वसीलन ते कब्ज़ो कयो वञे हर सिंधी आखिरी फसाह ताईं पंहिंजी धरती जो तहफ़ुज कंदो सिंध हुकूमत मुजरमाणी खामोशी इख़्तियार करण बदिरां बेटन ते वफाकी बालार खे रोकण लाइ पंहिंजो किरदार अदा करे मुज़ाहिरीन तरफ़ां सिंध असेंबली ज़रिए अथॉरिटी ऑर्डिनेंस खे रद्द करण जो मुतालबो चेलार में इज्तमाही लडियालुट ए ब्लैकमेलिंग जो शिकार नारी मोमल मेघवार के आबघात केस में गिरफ्तार जवाबदार आदम दल अदालती रिमांड ते जेल हवाले मिठी जी अदालत जिस्मानी रिमांड वाली पुलिस की इस्तदा रद्द कर छी जरीन जो चवण है तो मोमल मेघवार आबघात केस में पुलिस की अदम दिलचस्पी सबब जांच में अग भराई ना ही थी सकी हाई प्रोफाइल केस की जांच सीनियर पुलिस ऑफिसर बदरा जूनियर ASI हवाले करण जो इंकशाफ पुलिस केस में नामजद बिन जवाबदारन जो पतो लगाने में बिना का सिंध यूनिवर्सिटी के फंड्स में करोड़े रुपये की मुबैना घोबिन वाले केस में अगुणे VC फतेह मोहम्मद बरफत सूदो टीन जवाबदारन की अबूरी जमानत में 15 नियन की वार हैदराबाद की एंटी करप्शन कोर्ट में जमानत दरख्वास्त बुधनी दौरान जवाबदार पेश थे अदालत धुरन जा दलील बुधण बाद जमानत में वाद की मंजूरी दे छी जाम शोरों में एंटी करप्शन खाते सिंध यूनिवर्सिटी के फंड्स में 73 करोड़ रुपये के मुबैना घोबिन जो केस दाखिल कयो हो 38 जवाबदार अन्या तई रूपोश सिंध सरकार DIG लाड़कानो इरफान बलोच के बदली कर छो DIG ट्रेनिंग नासिर आफ्ताब नौ DIG लाड़कानो मुकर्रर चीफ सेक्रेटरी सिंध तरफा जारी कल नोटिफिकेशन में DIG इरफान बलोच के रिपोर्ट करण की हिदायत दादू जी मॉडल क्रिमिनल कोर्ट में उमर रुबाब के वालिद सूदो टिन भातिन के कत्ल केस बाबत बुधनी दौरान जवाबदारन जो वकील पेश न थो MPA सरदार चांडियू सूदो बिन जवाबदारन की अदम पेशी सबब अदालत बुधनी 17 अक्टूबर तीन मुलतवी कर छी अदालत बहरा टाइम न्यूज से गलहदे उमर रुबाब चांडियू जो चवण हो तो जवाबदार धुर अदालतुन में पेश न थे देर जहा हरबा इस्तेमाल कर रही है टिन भातिन के कत्ल केस में इंसाफ मिलण तई जिदोजहद जारी रखी वेंदी अदलिया में इंसाफ की उम्मीद है उमर रुबाब जो चवण हो तो अखिन डिठन शाहिदन के खामोश करण लाए गाजी खावर के स्कूल में फायरिंग कराई वही बुधाई वने तो कत्ल केस का जवाबदार कड़े कानून तहत आज़ाद घुमी रहा है सिंध के तालीमी इदारन में कोरोना जा केसिस बढ़ण लगा मिठी में उस्तादन ए मुलाजमन सूदो कोरोना जो शिकार केसिस जा सामू अचण खां पोए मिठी जा 6 प्राइमरी स्कूल्स बीहर बंद इंतजामिया मुतासरन के आइसोलेट थियण ए बंद कयल स्कूल्स के शागिर्दन के घरन में रहण की हिदायत कर छी डहरकी में कोरोना जा केसिस जाहिर थियण बाद सनअती इदारन के सहकार से हलंदड़ कॉलेज के भी बंद कियो इंतजामिया पढ़ाई लाए पौतल शागिर्दन के वापस मोटाए छो सूबाई वजीर सईद गनी तरफा मलीर के रजाकाबाद वाले इलाके ठठे में तालीमी इदारन जा दौरा स्कूल ए कॉलेजस में SOPs से अमल जो जायजो सईद गनी जो चवण है तालीमी इदारन में SOPs से अमल के यकीनी बनाया वे बार घड़ा होजन की सूरत में समाजी विथी बरकरार रखने लाए शिफ्ट्स जरिए क्लासेस हलाया वन
ठठे में सूबाई वजीर के दौरे दौरान तालीमी इदारन की इंतजामिया में थरथलो। सईद गनी तरफा इंतजामिया ए शागिर्दन के कोरोना का बचाव लाए SOPs से अमल यकीनी बढ़ाने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की दाखिला पॉलिसी खिलाफ दरख्वास्त से फैसलो महफूज कर वरतो। सिजावल बासण शागिर्दानी शारका मक्सी यूनिवर्सिटी की दाखिला पॉलिसी खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कई हुई। शागिर्दानी फार्मेसी में रुगो कराची डिवीजन जो डोमिसाइल रखंदड़ उम्मीदवार के दाखिला देने वाले अमल के चैलेंज कयो हो। बुधड़ी दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील दलील इंदे तो यूनिवर्सिटी तरफा दाखिला पॉलिसी के रुगो एक डिवीजन तई महदूद कर गैर कानूनी है। सूबे के बे कें भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अड़ी पॉलिसी ना। खानपुर भरसां गोट मोहम्मद लायक भयो में खैरात की मानी खाने लाए वैल नींगरी मुबैना तौर वाह में बुढ़ी फौत। गोठाणन इलाके वासन गडल कोशिश से सोनिया जो लाश हथ कर वरतो। फौती नींगरी के वारसन जो चवण है खैरात की मानी खाने लाए गोठ में आया हुआ सी। नींगरी गुजरल रात का गुम हुई अज वाह में सनस लाश हथ आयो है। टनोडिया में जो वाह में लाश हथ सुणप नी सी पुलिस ईंधी रजाकार लाश अस्पताल मुंतकिल कर। सेखाट थाने की हद में नींगरी सा मुबैना जिन्सी ज्याती के केस में गिरफ्तार जवाबदार की DNA टेस्ट कराने जो फैसलो। पुलिस जो चवण है जवाबदार अब्दुल रजाक मलाजी हैदराबाद की लेबॉरटरी में टेस्ट कराई वेंदी। गोट जुमन शाह में 11 वरें की नींगरी सा ज्याती जो केस दाखिल थे बाद जवाबदार अब्दुल रजाक मल्हा के गिरफ्तार किया वो। घोटकी जिले में नकली जरई दवाओं ए बिज के विक्रे खिलाफ आबादगार रस्तन से निकली आया। मीरपुर माथेलो में एहतजाज दौरान आबादगार ADC-1 की गाड़ी अग्न लेटी पाया। नुकसान के अजाले लाए नारेबाजी आबादगारन दाहों है घोटकी में सरेआम नकली जरई दवाओं ए बिज के विक्रे सबब बोणन जो फसल तबाह थी वो है जै सबब माली नुकसान बर्दाश्त करो पैजी रो है। आबादगारन तरफा जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कर कर्ज माफ कर मुताल। जो खेड़े सोखाए जो नजरियो डींदड़ सूफी शहीद शाह इनायत के 312 सालियाने उर्स जो तकरीबू बे ढी बिजारी। मुख्तलिफ इलाकन का पांधीण की आमद जो सिलसिलो जारी। उर्स के बे ढी सिजावल जिले में आम मोकल। शाह इनायत के उर्स के मौके से सूफियाने राग की तकरीब जा भी इंतजाम। उर्स के मौके से कोरोना का बचाव लाए SOPs से अमल ए सिक्योरिटी लाए पुलिस अहलकार मुकर। अस्सलाम वालेकुम टाइम न्यूज़ सगत माहिया हमीर शेख हेडलाइंस हवाले थियूं तफसीली खबरों ब्रेक खां।